भारत में सोने की खपत का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि देश का। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में ईसा से पहले सोने की कई खदानें थी जिनसे सोना निकाला जाता था। हालांकि सोने के इस्तेमाल के शुरुआती साक्ष्य 4,500 साल पुरानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। इसके बाद सोना भारत के गुप्त और चोल राजवंशों की भी शोभा बना। टीपू सुल्तान और फिर अंग्रेज शासकों ने भी कोलार जैसी खानों से सोना निकाला। आज बात सबको रास आने वाले धातु की यानी सोने की। नमस्ते, मैं शिवम हूँ और आप हैं मंच पर। आजादी के 76 साल बाद आज के सोने के रेट की बात करें तो इसकी कीमत में करीब 661 गुना की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उस वक्त सोने की कीमत तकरीबन 89 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो कि आज 59,000 के इर्द गिर्द घूम रही है। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब सोने की कीमत 88.62 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो कि 10 साल बाद 1957 में 91 रुपए हो गई। साल 1967 में सोने का भाव 103 रुपए था, जो कि 1977 में 486 रुपए हो गया। साल 1987 में सोने की कीमत में उछाल आना शुरू हुआ और कीमत 2,570 रुपए तक पहुंच गई। फिर साल 1997 में 4,725 रुपए और फिर 2007 में 10,800 रुपए हो गई। इसके बाद साल 2017 आते आते सोने का भाव 29,667 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। भौतिकता के बढ़ते तौर तरीकों ने लोगों के बीच सोने की तवज्जो बढ़ाई और जिसके चलते आज सोने की कीमत 59,969 रुपए तक पहुंच गई। हमारे देश में सोने की खपत सालाना करीब 800 टन है, जिसमें से केवल 1 टन का प्रोडक्शन भारत में होता है, बाकी इंपोर्ट किया जाता है। इसके बावजूद भारत के घरों में इतना सोना मौजूद है जो कि अमेरिका के कुल गोल्ड रिजर्व से 3 गुना ज्यादा है। अगर बात की जाए सोने की खपत की तो बीते सालों में ये घटती बढ़ती रही है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में सोने की सालाना खपत 666 टन थी, साल 2017 में 771 टन, 2018 में 760 टन, साल 2019 में 690 टन, साल 2020 में खपत घटकर 446 टन पर पहुंची, लेकिन उसके अगले साल यानी 2021 में ये आंकड़ा फिर 797 टन पर पहुंच गया। इस खपत की भरपाई करने के लिए जो 1 टन सोना निकलता है वो भारत में चल रही कुछ प्रमुख खदानों से निकलता है, जैसे सोनभद्र माइंस जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा खदाने झारखंड में, परासी गोल्ड माइंस जो कि रांची में मौजूद, कुंदरकोचा गोल्ड माइंस जो कि कुंदरकोचा में, पहाड़िया गोल्ड माइंस जो कि पहाड़िया में, लावा गोल्ड माइंस जो कि चांडिल में, ये सभी माइंस झारखंड के क्षेत्रफल में मौजूद है। झारखंड के बाद गोल्ड माइंस की एग्जिस्टेंस में नंबर आता है कर्नाटक का। हट्टी गोल्ड माइंस जो कि हट्टी में, और इसके अलावा मशहूर कोलार गोल्ड माइंस कोलार में, वहीं गोल्ड माइंस जिस पर फिल्म KGF की कहानी आधारित। एक बात और बता दें आपको कि आम तौर पर खदानों से जो सोना निकलता है वो या तो अकेले या पारे या फिर सिल्वर के साथ मिश्र धातु के तौर पर पाया जाता है। कैलेवराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट और पेनराइट आयस्को यानी और के फॉर्म में भी मिलता है। खदानों में सोना निकालने का तरीका जोखिम भरा होता है। जहां सोना सतह के थोड़ा ही भीतर मौजूद होता है वहां छोटे छोटे गड्ढे करके उनमें डायनामाइट भर के धमाके करते हैं। इस धमाके से हुए टुकड़ों को ट्रक में भरकर सोना निकालने के लिए भेज दिया जाता है। जहां सोना सतह के बहुत नीचे होता है वहां अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। इसमें गहरे गहरे वर्टिकल कॉलम खोदे जाते हैं, उन कॉलम में हॉरिजॉन्टल गुफाएं बनाई जाती है, फिर उन गुफाओं में अंदर जाकर वहां से धमाके कर चट्टान के टुकड़े इकट्ठे होते हैं, फिर इन टुकड़ों को ट्रक में भरकर इन्हें प्यूरिफाई करने के लिए मिल्स में ले जाया जाता है, जहां इन चट्टानों के टुकड़ों से सोना निकालने का काम शुरू होता है। इसके बाद कई और स्टेज के प्यूरिफिकेशन से गुजरने के बाद सोना पिघलाया जाता है और इसके ब्लॉक तैयार कर लिए जाते हैं, फिर ये ब्लॉक आगे और रिफाइनिंग के लिए भेजे जाते हैं, उसके बाद जाकर सोना बाजार में पहुंचता है। US जियोलॉजिकल सर्वे की माने तो अब तक करीब 2,00,000 टन सोना निकाला जा चुका है और अब सिर्फ 50,000 टन बाकी। वहीं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय जमीन के अंदर 1 अप्रैल 2020 तक कुल 5.86 टन सोने की रिसोर्सेज बचे हैं। भारत के साथ ही अगर पूरी दुनिया में सोना निकाले जाने के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में दुनिया भर के कुल 3,300 टन के करीब सोना निकाला गया। साल 2019 का आंकड़ा भी सेम ही रहा। साल 2020 में 3,030 टन सोना निकाला गया और साल 2021 में करीब 3,090 टन सोना दुनिया भर में निकाला गया। साल 2022 में 3,100 टन सोना
निकाला गया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि भौतिकता के मद में चूर होकर हम किस कदर अपने प्राकृतिक भंडारण को तेजी से खाली कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट में होती है, जिसके मुताबिक भारत के घरों में 2019 में 25,000 टन से ज्यादा सोना था, जिसकी कीमत तकरीबन 147 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, और साल 2021 में भारत की GDP 262 लाख करोड़ थी, यानी GDP की टोटल वैल्यू का 40% सोना घरों में रखा है। इसके साथ ही भारत के मंदिरों की अगर बात की जाए तो 4,000 टन से ज्यादा सोना भारत के मंदिरों में जमा है। डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ब्यूरो ऑफ द फिस्कल सर्विस के 2021 के डेटा के मुताबिक अमेरिका के सरकारी खजाने में 8,000 टन से ज्यादा सोना जमा है, यानी अमेरिका के सरकारी खजाने से करीब 3 गुना ज्यादा सोना हमारे घरों में रखा है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये स्टोरी आपके लिए तैयार की है हमारे साथी मंचकार ऋषभ ने। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्टोरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।